यस, एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, नाम है रामकृष्ण, ऑल इंडिया 140 रैंक, और रामकृष्ण भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। और रामकृष्ण, सबसे पहले आपको एनआईटी सूरत कल के लिए ढेर सारी बधाई। और रामकृष्ण के बारे में मैं बताऊंगा कि रामकृष्ण ने भोपाल में आके पढ़ाई की थी, फाइनल ईयर भी इसने कॉलेज में बात कर ली, फिर भोपाल आके पढ़ाई की, बीच में सेमेस्टर के लिए प्रैक्टिकल के लिए घर गया और फिर वापस भोपाल आ गया। तो रामकृष्ण, पहले तो आपको एनआईटी सूरत कल के लिए ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रामकृष्ण, कई बच्चे जब फाइनल ईयर में होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्या करें, और स्पेशली जब कोई दूसरी सिटी में होते हैं तो और ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, फिर उन्हें लगता है कंप्लीट करके फिर जाएंगे। तो आपने ये मन कैसे बनाया कि भोपाल आना है, और फिर कॉलेज को और कोचिंग को, दोनों को मैनेजमेंट कैसे किया आपने? सर, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सर मैंने जो है ये जो सेकेंड ईयर जब मेरे एग्जाम हुए थे सर सेकेंड ईयर के, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे एमसीए की प्रिपरेशन करनी है सर। तो मैंने फिर बाद में सोचा था, और आपका यूट्यूब वगैरह पे मैंने वीडियोस देखी थी, तो मैंने ग्रुप के बारे में देखा कि यहाँ पर जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है एमसीए की। तो फिर सर मैं जब मैंने एग्जाम हो गए थे फाइनल ईयर के, तभी मैं भोपाल आ गया था, और क्योंकि मेरे जो है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में परसेंटेज काफी अच्छे थे, तो सर मैंने देखा कि मैं फाइनल ईयर की जो है एग्जाम को मेंटेन करूंगा, और मैंने एमसीए की और मैं कॉलेज के फाइनल ईयर की दोनों की प्रिपरेशन एक साथ ही की थी सर, और इस तरीके से मैनेज किया सर। ठीक है, तो राकेश, आपका पढ़ने का रूटीन क्या रहता था? सर जैसा कि जो है इंटर गुरुकुल में सुबह 8 बजे से ही प्रत्येक सर की क्लासेस होती थी, तो सबसे पहले हम 7:30 बजे के करीब सर इंटर गुरुकुल में आ जाते थे, और सबसे पहले प्रत्येक सर की क्लास करते थे, और फिर बाद में आपकी सर 10-11 बजे सर आपकी क्लास होती थी, तो हम आपकी क्लास करते थे, और बाकी सर बीच में जो टाइम मिलता था उसमें वहीं पर इंटर गुरुकुल में बैठकर सेल्फ स्टडी करते थे, और बीच में जब लंच होता था तब लंच कर लेते थे और यही रूटीन करते थे। ठीक है, तो राकेश, आपका भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या बोलना चाहेंगे आप इम्पिटस गुरुकुल का एक्सपीरियंस स्पेशली? सर बहुत ही अच्छा रहा। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि सर मेरी मैथ जो है वो बहुत ही वीक थी सर, और मैंने क्योंकि 12th में मेरा मैथ था, पर बीच में सर मेरा 3 साल का गैप हो चुका था, तो उस बीच में सर मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गया था, मुझे कुछ भी ज्यादा इतना यहाँ तक मुझे क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना भी नहीं आता था सर, इतना सब कुछ भूल गया था। फिर लेकिन जो है प्रतीक सर ने और आपने जैसे बेसिक सर ने, प्रतीक सर ने पहले हमें जो है बेसिक पढ़ाया सर, उस बेसिक से बहुत ही हेल्प हुई सर, और मैंने अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और सबसे ज्यादा की यही है कि मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की जिससे मुझे वापस मैथ में कॉन्फिडेंस आने लगा, और फिर धीरे धीरे सर इस तरीके से मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया सर। तो देखिए, एक बात आपने अभी रामकृष्ण से सुनी होगी कि रामकृष्ण का मैथ्स काफी वीक था, इनफैक्ट उसका खुद कहना है कि बेसिक मैथ्स नहीं बनती थी, पर देखिए बेसिक से 1 साल मेहनत करके एक बच्चे ने आपके सामने एक रैंक अचीव की है। यानी डर इस बात का नहीं होना चाहिए क्या नहीं आता, हिम्मत ये होना चाहिए कि जो नहीं आता वो सीखना है। और रामकृष्ण एक इसका अकेला एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे इम्पिटस में एग्जाम्पल्स होते हैं, और रामकृष्ण भी उसी में एक है कि बच्चे का, मैं मानता हूं चाहे लेवल आज 0 है या प्लस है या माइनस है, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जिस दिन समझ में आ जाए कि हम कहां हैं उसके बाद हम पढ़ाई कैसे करते हैं। और रामकृष्ण ने इसी बात को ध्यान रख के पढ़ाई की। तो रामकृष्ण, आपने काफी मेहनत की थी वो मैंने देखा है, और बिल्कुल 0 से लेके जो मैथ्स को स्टार्ट किया और उस हाई लेवल तक रहेगा, यही रीजन है कि आप कितनी अच्छी रैंक आई, आज आपको एनआईटी सूरत कल मिला है, यही उसका रीजन है। तो ऐसे बच्चे जिनको स्पेशली मैथ से डर लगता है या जो मैथ से घबराते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मैथ से आपको डरना नहीं है, और जो है आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप उसके बिल्कुल बेसिक से पहले अपनी बेसिक कंसेप्ट अपने को स्ट्रॉन्ग करने हैं, और फिर अपन जो है सर जो अपन इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। वेरी गुड रामकृष्ण, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी क्योंकि आप राजस्थान में हो, अभी आपके फाइनल ईयर के पेपर भी नहीं हुए ना शायद, कि हो गए, रिजल्ट आना बाकी? नहीं सर, हाँ सर एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आना भी बाकी सर। तो ये इस बार फाइनल ईयर के एग्जाम आपके राजस्थान में क्या ऑनलाइन हुए थे कि फिजिकली हुए ऑफलाइन? नहीं सर, फिजिकली हुए थे, कॉलेज में ही हुए थे सर, बाकी सारे प्रिकॉशन के साथ हुए थे सर, कॉलेज में ही हुए थे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो रामकृष्ण, आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं एनआईटी सूरत कल के लिए, अब आपकी सक्सेस जर्नी स्टार्ट हो गई, अब ऐसे ही आगे बढ़े और खुश रहें, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि आप
क्योंकि फाइनल ईयर में थे और दूर रह के भी आपने अपने आप को निकाला भोपाल और आके पढ़ाई की, तो ऐसे बच्चे जो कई बार रिमोट एरिया में रहते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि सर जो है बच्चे जो है एक सही रास्ता चुने और सही से प्रिपरेशन करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो है बिल्कुल अपने अपने आप को सर कमजोर ना समझे और सही तरीके से पढ़ाई करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोली कि सबसे पहले अपने आप को कमजोर ना समझे और एक सही रास्ता पकड़ लें और जो रास्ता चुना है उसी रास्ते पे आगे बढ़े। तो चलिए ढेर सारी शुभकामना के साथ ये सेशन एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट रामकृष्ण। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।